हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक फैजमिट वेक्टर पे है, ठीक है। तो फैजमिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फेज एंड प्लाज्मिड। इससे पहले भी मैं आपको जो है वो हाइब्रिड वेक्टर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, कॉस्मिड, ठीक है। कॉस्मिड भी आपका फेज और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन था, बट हम वहाँ से फेज से केवल कॉस साइड को लेते थे, ठीक है। फेज से हम कॉस साइड को लेते थे, और जो भी हमारा कॉस्मिड था वो केवल क्या करता था कि सपोज ये आपका कोई कॉस्मिड है, उसके पास कॉस साइट थी, और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की बात करें, और अगर हम आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर, ये सारी चीज़ें उसके पास प्लाज्मिड की थी। केवल कॉस साइट कॉस्मिड के पास जो है फेज से था, लैम्डा फेज थे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कॉस साइट लैम्डा फेज से आपका डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए वायरस से था, ठीक है। ये कॉस साइट आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से था, और आपका कॉस जो प्लाज्मिड था वो डबल स्टैंडर्ड था, और डबल स्टैंडर्ड ही रिप्लिकेट होता था, और रिप्लिकेट होने के बाद इसके पास कॉस साइट होने की वजह से ये आपका लैम्डा फेज के अंदर पैक होता था, और इट इन्फेक्टेड टू होस्ट सेल, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने कॉस्मिड में पढ़ा था। तो अगर आप फैजमिट को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कॉस्मिड वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कॉस्मिड भी आपका हाइब्रिड वेक्टर था। इट इज़ अ मेडअप ऑफ, अगर हम बात करें तो लैम्डा फेज एंड जो है प्लाज्मिड। फैजमिट भी आपका फेज और प्लाज्मिड से बना है, लेकिन अगर हम फैजमिट की बात करें तो फैजमिट में जो फेज है आपका, ये आपका F1 फेज है, ठीक है। ये आपका F1 फेज है, और F1 फेज मैंने आपको बताया कि F1 फेज आपका फिलामेंटस फेज होता है, जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक। तो प्रीवियस M13 वाले वीडियो में मैंने इस चीज को डिटेल में बताया हुआ है कि आपका M13, FD एंड F1 ये सब आपके जो है सिंगल स्टैंडर्ड फेज डीएनए है। तो आइए अब हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लें आपका फैजमिट के बारे में। तो फैजमिट इज अ हाइब्रिड वेक्टर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेज एंड प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि आपका कॉम्बिनेशन है फेज का और प्लाज्मिड का। तो फेज की बात करें तो यहाँ पे आपका F1 फेज का यूज हुआ है। F1 फेज जो रिप्लिकेटिंग फॉर्म है F1 फेज का, मीन्स रिप्लिकेटिंग जो साइट है F1 फेज की, इसको हमने यहाँ पे जो है इंसर्ट किया है, ठीक है। मतलब फेज से हमने रिप्लिकेटिंग साइट को लिया है, इट मीन्स कि आपका ये रिप्लिकेट कर सकता है फेज के जैसे, ठीक। दूसरी बात अगर हम करें तो प्लाज्मिड से आपका अगेन सेलेक्टेबल मार्कर, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर स्क्रीनेबल मार्कर है वो हमारा लैग जेड जीन होगा, जिसकी वजह से हम व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग कर सकते हैं अगेन, ठीक है, व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। तो जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो प्रीवियस वीडियो में जाकर के व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग वाला जो है स्क्रीनेबल मार्कर वाला वीडियो देख लें, तो व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग और लैग जेड जीन के बारे में समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी हम इस वीडियो में भी इसको बताएंगे आपको, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फेज से F1 प्लाज्मिड का F1 रिप्लिकेशन यूनिट है फेज से, ठीक है, जो कि आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फेज है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फेज, फिलामेंटस फेज। और अगर हम बात करें आपका प्लाज्मिड के करेक्टर की, तो प्लाज्मिड से इसके पास आपका स्क्रीनेबल मार्कर लैग जेड और मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट मीन्स पॉलीलिंकर साइट। और अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्लाज्मिड का भी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ईवन जो कि बैक्टीरिया है आपका, हमने कॉल ईवन बैक्टीरिया से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट लिया है, ठीक। तो अगेन आप देख लीजिए, फैजमिट इज ए हाइब्रिड वेक्टर में हम लोगों ने F1 रिप्लिकेशन फॉर्म F1 फेज से लिया है, और प्लाज्मिड से हम लोगों ने स्क्रीनेबल मार्कर लैग जेड जीन मल्टीपल क्लोनिंग साइट और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कॉल ईवन को लिया हुआ है प्लाज्मिड से, और दोनों को हमने मिला दिया। इट रिप्लिकेट, देखिए इसका जो गुड क्वालिटी है वो क्या है कि आपका ये रिप्लिकेट कर सकता है एज प्लाज्मिड एंड गेट पैक्ड एज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इन वायरल पार्टिकल,
ठीक, तो ये आपका रिप्लिकेट कर सकता है प्लाज्मिड के जैसे भी और पैक हो सकता है और रिप्लिकेट कर सकता है वायरल पार्टिकल के जैसे भी, ठीक है। इट स्विचेस, अगर हम बात करें तो सपोज ये कोई होस्ट सेल है आपकी, ठीक है, बैक्टीरिया इकोलाई होस्ट सेल है जिसके अंदर आपने फेजमिट को डाला हुआ है, ठीक है। अब आपका फेजमिट के पास हमारा कोई भी डिजायरेबल डीएनए होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या है, वेक्टर का डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट करना और डिजायरेबल डीएनए की कॉपी करना। तो हमने फेजमिट में अपना डिजायरेबल डीएनए डाला हुआ है और इस डिजायरेबल डीएनए को हम जो है होस्ट सेल के अंदर हमने भेज दिया है, इकोलाई के अंदर भेज दिया है। अब हमारा क्या है, सपोज जब भी हमारा ये फेजमेंट अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फेजमेंट के जो भी आपकी फेजमेंट की करेक्टरिस्टिक है, ये उससे रिप्लिकेट कर रहा है अपने आप को एज ए डबल स्टैंडर्ड। जैसे ही आपका फेज ने अटैक किया, ठीक है, जैसे ही आपने आपका फेज ने अटैक किया तो इट कैन वर्क एज अ फेज, ठीक। तो आइए हम आगे के वीडियो में, अपने पूरे वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम अपने डिजायरेबल डीएनए को फेजमिड के अंदर इंसर्ट करते हैं और कैसे हमारा जो फेजमिड है इट इज रिप्लिकेट एज बोथ एज प्लाज्मिड एंड एज वायरल पार्टिकल, ठीक। सो दिस फेजमिड इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वैक्टर, क्योंकि ये वैक्टर आपका दो तरीके से काम कर सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी रिप्लिकेट हो सकता है एज ए प्लाज्मिड, और अगर हम बात करें तो आपका M13 FD F1 के सिंगल स्टैंडर्ड जो है वेक्टर की तरह भी ये रिप्लिकेट हो सकता है। तो सपोज ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, ठीक, ये हमारा होस्ट बैक्टीरिया है एंड दैट होस्ट बैक्टीरिया इज इकोलाई। तो हम बात करें तो जो भी हमारा ये दिस इज द फेजमिट, तो मैंने आपको बताया कि फेजमिट के पास अगर हम देखें तो दिस इज आवर फेजमिट, फेजमिट के पास हमारा ओराई रीजन है, ओराई रीजन फ्रॉम प्लाज्मिड, तो ये हम लोगों ने सॉरी ओराई रीजन फ्रॉम बैक्टीरिया प्लाज्मिड कॉल ईवन से लिया है एंड ओराई रीजन ऑफ F1 से मीन्स फेज से हम लोगों ने F1 फेज से ओराई रीजन लिया हुआ है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट लिया हुआ है और हम लोगों ने अपना स्क्रीनेबल मार्कर लैग जेड जीन लिया हुआ है विच इज ओवरलैप्ड विथ, जो ओवरलैप है आपका किसके साथ, मल्टीपल क्लोनिंग साइट के साथ ओवरलैप है। अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हम लोगों ने मल्टीपल क्लोनिंग साइट को कट किया और अपना डिजायरेबल डीएनए हम लोगों ने फेजमिड में ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने अपना क्या किया, डिजायरेबल डीएनए फेजमिड में ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने फेजमिड में अपना डिजायरेबल डीएनए ऐड किया, ठीक, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा लैग जेड जीन था ये डिस्टर्ब हो गया, नाउ द लैग जेड जीन ऑल्सो कट एंड इट डिस्टर्ब, और जो भी हमारा लैग जेड जीन का प्रोडक्ट होता है दैट प्रोडक्ट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा और जो बैक्टीरिया मीडियम में ग्रो कर रहा होगा उसको उसका फूड होता है आपका एक्स गैल, तो वो एक्स गैल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल, हम लोगों ने ये होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया, तो ये हमारा डिजायरेबल डीएनए ग्रीन कलर से है, तो ठीक है अभी ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक, नाउ इट इज डबल स्टैंडर्ड। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा बैक्टीरिया अपनी कॉपी करेगा मल्टीपल कॉपी, वैसे वैसे ही हमारा ये डिजायरेबल डीएनए भी कॉपी होता चला जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे फेजमिट थे जो कि हमारे डिजायरेबल डीएनए को नहीं अंदर रख पाए, ठीक है, तो ये आपस में ही स्टिक हो गए, डिजायरेबल डीएनए को स्टिक नहीं कर पाए, तो ये इस पूरे होस्ट कॉलोनी को, इस पूरे बैक्टीरिया को हम लोग एक मीडियम में ग्रो करेंगे, दैट मीडियम कंटेन एक्स गैल, ठीक है, इस मीडियम में आपका एक्स गैल प्रेजेंट है, तो होगा क्या, ये सपोज ये दो बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया के पास हमारा डिजायरेबल डीएनए है, एक बैक्टीरिया के पास हमारा डिजायरेबल डीएनए नहीं है। अब होगा क्या, ये वाली जो कॉलोनी होगी ये वाइट कलर की होगी बैक्टीरिया की, और अगर हम बात करें दिस कॉलोनी इज ब्लू इन कलर बिकॉज यहाँ पे जो आपका लैग जेड जीन है इट इज एक्टिव इन फॉर्म, ये एक्टिव होगा और जब ये एक्टिव होगा मीन्स जब ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो
तो आपका एक्स गैल कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में एंड इट गिव्स ब्लू कलर। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि कैसे हमने अपना डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट किया और कैसे हमने स्क्रीन कर लिया। ठीक है, फैजमिट को हमने स्क्रीन कर लिया। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा ये बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक, ये हमारा बैक्टीरिया है। तो हम लोग अब देखेंगे कि सपोज ये अभी आपका अपने नंबर को कॉपी कर रहा है, आपका फेज ने सपोज इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक, नाउ दिस M13 फेज हुआ या इट इज F1 M13, कोई भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड फेज ने अटैक कर दिया, तो इस सिंगल स्टैंडर्ड फेज ने अपने डीएनए को अंदर इंसर्ट किया। नाउ फैजमिट एक्ट एज, ठीक है, अब ये जो फैजमिट होगा इट एक्ट एज फेज। ठीक है, अब ये आपका जो है फेज की जैसे वर्क करेगा। ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, आपके फैजमिट के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट फॉर फेज। ठीक, तो ये आपका डीएनए जाकर के इसमें इंसर्ट हो जाएगा इकोलाई में, फेज के पास ओरिजिन ऑफ, जो भी आपका फैजमेट के पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट है फॉर फेज, तो ये फेज डीएनए को आप जो है रोलिंग सर्किल मॉडल से फेज डीएनए आपका कॉपी होगा, सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी होगा। तो एम थर्टीन वाले वीडियो में आप रोलिंग सर्किल मॉडल को देख लीजिएगा कि कैसे ये अपने आप की कॉपी करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट स्विचेस, दिस फैजमेट स्विचेस, इट वर्क एज जो है प्लाज्मिड और इट ऑल्सो वर्क एज फेज। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाएगा और ये सिंगल और फेज में पैक हो जाएगा। ठीक है, ये जाकर के इस तरीके से फेज में पैक हो जाएगा इन दिस फिलामेंटस फेज और आपका फेज फ्री, देन ये फेज आपका फ्री हो जाएगा। और इस फेज के पास आपका अगर हम बात करें तो डिजायरेबल डीएनए की भी कॉपी होगी। ठीक, तो होप सो आप बात को समझ पा रहे होंगे। दिस इज द वर्किंग डायग्राम ऑफ फेजमेट। एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपका बहुत ही लो कॉपी नंबर होता है, लगभग एक या दो ही नंबर में ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो सकता है फेजमेट, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो होप सो आपको मेरा ये फेजमेट का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शटल वेक्टर के साथ।